हेलो गाइस, दिस इज़ मी अमन सईद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और सुनाई जी, क्या चल रहा है? कैसे चल रहे हैं मेरे व्लॉग? कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? मेरे पहले वाले व्लॉग कैसे लगे हैं मुझे सब लोग बताएं कमेंट्स में। और ये जी, मैंने शावल ले लिया है, ड्रेस शेस पहन लिया है, ज्वेलरी का ड्रेस है ये, मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ। सारे अपने कपड़े लोन के स्टिच करवा के लेकर आई हूँ, तो वैसे मैं पहन लेती हूँ। तो बस जी, कपड़े शपड़े पहन लिए, मैं हो गई हूँ तैयार। अब हम जा रहे हैं जी बाहर जाते हैं। एक तो मैंने लेना है अपना जूता, घर पहनने के लिए जूता नहीं है मेरे पास। आज हमने चाय बनाई थी तो हमें पता चला है कि हमारे पास स्ट्रेनर भी नहीं है, और चाय को फेरने के लिए जो चाय का पौवा होता है वो भी नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं किचन में आई हूँ। किचन में मेरे पास कुछ बर्तन पड़े हैं अभी धोने वाले, ये मैंने चाय बनाई थी ये भी धोना है मैंने। और सारा क्लीन है, सुबह को हमारी वॉशिंग मशीन इंशाल्लाह सेट वेट हो जाएगी। कचरा अब हम लेके जाएंगे, बाहर फेंक देंगे। और ये कुछ चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं, तो लाइट्स ऑफ करते हैं यहाँ से। और आई लव इट, और ये मुझे बहुत पसंद है प्लांट्स, मुझे मैंने अपने फ्रीजर के ऊपर रखे हुए हैं। ओके जी गाइस, तो अब हम लोग जी हैं जा रहे हैं, गिफ्ट हाउस है इधर पास ही घर के करीब, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। वहाँ से मेरी लेंगे एक चप्पल और साथ में लेंगे एक स्ट्रेनर। तो बस ये जी, हम जा रहे हैं पार्किंग में, गाड़ी पार्क है, वहाँ जाएंगे बैठेंगे और फिर जाएंगे गिफ्ट हाउस, और वहाँ से जाके जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो लेंगे। अच्छा गाइस, आप लोगों ने जो है मेरा व्लॉग लाजमी एंड तक देखना है, ठीक है? ये दो दिन का व्लॉग है, तो आप लोगों ने ब्लॉग देखना है, लाइक करना है, कमेंट करने हैं, एंड ये जो है इस ब्लॉग का लिंक आप लोगों ने शेयर करना है। तो लाजमी शेयर करिएगा प्लीज़, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे शेयर करें। बस इतना सा कर दें आप लोग, ठीक है? और बस जी, अब हम लोग जाएंगे और फिर वहाँ से जो चीज़ें एक दो लेनी है वो लेंगे, और हम खाएंगे आज पिज़्ज़ा, क्योंकि मैं जब से पाकिस्तान से आई हूँ मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया, तो मेरा आज दिल कर रहा था कि हम लोग ना ज़रा पिज़्ज़ा शिज़ा खा लेते हैं। तो आज हम जी खाएंगे पिज़्ज़ा, और बस यही। और पहले वाले व्लॉग आप लोगों को कैसे लगे हैं? आप लोगों ने लाइक, काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया है, कमेंट्स भी किए हैं, थैंक यू सो मच, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो यहाँ पे हर टाइम बादल रहते हैं, और हम लोग आए हैं गिफ्ट लेने, स्ट्रेनर लेना है हमने, और एक चाय बनाने के लिए जो पौवा होता है, जिसको पौवा कप पता नहीं कप बोलते हैं, वो लेना है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको जिसे चाय डालते हैं कप, उस कप को क्या बोलते हैं? पौवा। और वो स्ट्रेनर है, एक पौवा एक स्ट्रेनर है। अच्छा मुझे चाहिए चप्पल एक, दिखाएं लेडी स्लीपर चार दरम। अच्छा वो वाली चप्पल, फाइव दरम दिखाना मुझे। ऐसी चप्पल चाहिए है तो पूरी पूरी है और सही भी है। गाइस हमने ली है ये चप्पल मेरे लिए, और ये चप्पल लेंगे वॉशरूम में रखने के लिए। अच्छा यहाँ पर हर तरह की चीज़ जो है वो मिल जाती है, हमें फुल लुक। चलो कहाँ जाना है अब, इनसे पूछो कहाँ से मिलेगी। ये वाली चप्पल भी देते, प्यारी पड़ी हुई है सारी। अच्छा यहाँ में है भी रीजनेबल ना, एक्सपेंसिव नहीं है इतनी। अब जी मिल जाएगा ये स्ट्रेनर, और एक तो बड्डे को संभालना भी है, मुश्किल टास्क है। नहीं नहीं ये बहुत छोटा है, इतना छोटा नहीं है ना, बड़ी चाहिए मुझे। ये दो इस तरह की, एक एक ले लो ना, ठीक है दो क्या कमी, एक चाहिए। दो का ऑफर दिया है ना, ये तीन है। नहीं हमें तो एक ही चाहिए बस, एक छोटी एक बड़ी। ये कितने की है? 10 की दो। नहीं एक चाहिए, लेकिन चाहिए ये देखो, चिमटे शिमटे भी अच्छे पड़े हुए हैं, ये देखो सही वाले चिमटे। हाँ ये वाले सही है, इस तरह के छोटे हैं।
देखो 6 रुपये का है ये, देखो ये देखो ये साइज सही है, लेकिन ये भी 2 लग रही है, एक ही है। अच्छा और वो कहाँ पे है, सही है ये एक दिखाओ तो ना, सही है ना साइज, हाँ बस सही है और क्या सही है। हाँ वैसे ग्रे भी अच्छी है ना, ये प्लास्टिक खराब हो जाएगा, यही सही है। अच्छा मम्मी ढूंढना है वो वाला कप, मिल जाएगा यहाँ से, मिल जाता है चाय के लिए वो जो कप होता है। ओके गाइस चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं जो हो गई हैं, ले लिए हैं, ये हो रहा है जी हमारा बिल, बिल कराते हैं फिर चलते हैं। गाइस हमें मिला है ये टोकन, सब लोग दुआ करो कि हम हमारी जो है ना ये कार निकल आए। ओके शॉपिंग दिखाएं ज़रा, शॉपिंग हम एक स्टेनर और एक जूता लेने आए थे और हमने फिर से वो हमारा शॉप पर जो है ना वो फिर भर गया है। ठीक है लेने कुछ आते हैं और याद हमें कुछ आ जाता है, बस यही हालात है आजकल तो। ओके गाइस अब हम रखेंगे गाड़ी में सामान और फिर हम जाएंगे कुछ खाने पीने, ये जी रख दिया इन्होंने। चलो जी अब हम चलते हैं, सामने नजर आ रहा है आपको KFC, उसके आसपास होगा जी पिज़्ज़ा हट आए, पिज़्ज़ा हट मेरा दुपट्टा उड़ रहा है हवाओं में। ओके गाइस तो मेन्यू आ चुका है, अब हम जो है पिज़्ज़ा देखते हैं किस स्पाइसी वाला, स्पाइसी चिकन रंच सबसे अच्छा ये फ्लेवर है, बस मलाई बोटियां नहीं आता, हाँ फिर ये कर लो। ओके गाइस हमने ये किए स्पाइसी चिकन रंच और साथ में हम लेंगे ये कोक। ओके गाइस ऑर्डर आ चुका है, उसमें है जी हमारा पिज़्ज़ा विंग्स एंड पोटैटो वेजीज इन द नेक्स्ट डे। हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ओके गाइस तो मैं जी आज कर रही हूँ अपने कपड़े शपड़े प्रेस, अपने मियाँ जी के कुछ कपड़े प्रेस करके रखूँगी, वो जी मैंने लगाए हुए हैं सॉन्ग, साथ में सॉन्ग सुन रही हूँ जो ऐड आ चुका है, बस स्किप करूँगी। वो कपड़े हैं जो पड़े हुए वो धोने वाले हैं, मैं आज कपड़े भी धो रही हूँ साथ साथ, ये कुछ खाने के लिए यहाँ डाल दिए हैं, कुछ खाने के लिए वो बाहर बालकनी में मैंने डाल दिए हैं, धूप भी नहीं इतनी है तो फैन शैन चल रहा है, मैंने कहा चलो यहाँ पे भी सूख जाएंगे कुछ। अब जी तो अब मैं जाती हूँ वहाँ क्योंकि अब आ गया है चक्कर उसको मशीन का, तो उसमें हम डाल के आते हैं कुछ कपड़े। दिस इज मी, ओके गाइस आज कपड़े शपड़े प्रेस करके रखी हूँ, कुछ ड्रेसेस प्रेस कर ली हैं अपने, कुछ उनकी शर्ट्स पैंट्स टी शर्ट्स कर ली हैं प्रेस मैंने, और कबर्ड शबर्ड के सीने में बैग शैग पड़े हुए हैं, ऊपर उनका एहराम पड़ा हुआ है, एक लगेज कैरी वाला इधर पड़ा, बाकी सारे लगेज मैंने उसमें डाल के रख दिए थे, मेरी बेड शीट्स पड़ी हुई हैं इसमें भी, ये सारे कपड़े शपड़े पड़े हुए हैं हमारे, कपड़े एंड जूते भी मैंने चीज़ें कुछ ऐसे रख दी हैं, ये सारे ऐसा ऐसा इंशाल्लाह प्रेस करके इधर जाएंगे इधर जाएंगे। आई थिंक उसको टाइमर इज एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गया इसका। इसमें आज मैंने अपने ही कपड़े शपड़े डाले हुए हैं, जितने कपड़े डाले हैं फिर साफ सुथरा साफ ठीक है।
20 मिनट इज इनफ। ये वाले कपड़े भी तो डाल देती हूँ, पंखा तो चल ही रहा है तो सूख जाएंगे। तो ये है जी दुबई के हालात, बाहर के हालात। किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, आपको अपने काम खुद करने पड़ते हैं सारे के सारे, ठीक है। लेकिन ठीक है बंदा, अब आप अकेले होते हो तो आप कहे चलो फ्री टाइम है तो काम कर लो। फिर मैंने क्लीनिंग की, बर्तन वॉश किए, फिर मैं कसा साथ कपड़े धो रही, फिर मैंने कहा चलो कपड़े प्रेस कर लेते, अच्छा टाइम भी गुजर जाता है ऐसे और काम भी हो जाते हैं। चले जी गाइस, अब मैं अपना काम शाम ख़त्म कर लूँ, फिर मिलते हैं, बाय बाय। ओके गाइस, तो जो है मैंने क्लीनिंग भी कर ली थी सारी, और उसके बाद मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए, और जो कपड़े मैंने आपको दिखाए थे कि धुल रहे हैं, ये देखिए धुल गए हैं। और यहाँ पर मैंने सारे ना यहाँ पे डाल रही हैं, बाहर कुछ सूख गए थे वो निकाल के तय करके रख दिए, और बाकी ये वाले बाहर भी डाल रही हैं कपड़े। और मैंने जी ले लिया था शावर, और शावर ले लिया है मैंने। अब हम जो है क्या करेंगे, अब मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने रखे थे पकने के लिए मसर, मसर पक रहे हैं। मुझे मसर इतने 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 पसंद है, मैं दिल कर रहा था मैं मसर खाऊँ और साथ में राइस बॉयल करूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। देखें मशीन अभी भी चल रही है, अब इसमें लास्ट किचन टॉवल्स डाले हुए हैं मैंने, ठीक है। इसमें मैं तड़का शड़का लगाऊंगी, इसको इसलिए निकाल के रखा हुआ। ये देखें मसर गल के पक गए हैं, बस इसको तड़का लगने वाला रह गया, और अब हम लगाएंगे जी इसको तड़का, ठीक है। यार इतने यम यम बने और मुझे इतने पसंद है ना, और शुक्र अच्छे बने गए। अब बस सलाद वगैरह कट करूँगी, मैं सलाद के लिए प्याज गरम निकाल के रखा हुआ, बाकी चीज़ें फ्रिज से लूँगी। और जो है सलाद कट करने के बाद मैं करूँगी जी राइस बॉईल करूँगी, ठीक है। अभी तड़का लगाएंगे हम, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये वाला लहसुन जो मैंने पहले से कट शट करके रखा हुआ था तड़का लगाने के लिए। मिर्चा डाल दिया मैंने, जब ये थोड़ा सा ब्राउन बल्कि हो जाए ब्राउन, अब हम इसमें जीरा भी ऐड कर देंगे थोड़ा, ठीक है। डाल दिया, डाल दिया हमने इसमें लहसुन। चलो मैं कर दूंगी बंद, क्योंकि उसका कलर चेंज हो चुका है। ठीक है जी, अब हम लगा देंगे तड़का। Delicious, yummy। फटाफट अब राइस बॉइल करूँगी, सलाद कट करूँगी और खाऊंगी बस। बाय बाय। ओके गाइस, तो मैंने राइस बॉइल करने के लिए रख दिए हैं, पानी डाला है, पानी में मैंने सॉल्ट एंड जीरा एंड एक वन एंड हाफ टेबल स्पून समझ लें मैंने इसमें ऑयल मिक्स किया, जो काफ़ी नज़र भी आ रहा होगा ऊपर ऊपर, ठीक है। मसर हमारे डैडी हैं, राइस बन रहे हैं, और सलाद भी मैंने जो है कट करके रख लिया था, ठीक है। खीरे मैंने निकाले फ्रिज में से, तो वो सखरे ख़राब हो गए थे, तो फिर जो है मैंने फेंक दिए। तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे हम, लेमन जूस इसलिए ऐड करते हैं इससे राइस जो है वाइट ही रहता है, ठीक है। ओके गाइस, तो बस राइस बॉयल होंगे एंड देन आते पाएंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे इंशाल्लाह। खाना बन चुका है, अब हम खाने लगे हैं जी खाना। ऐसे ही सही था ना। ओके गाइस, ये था आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।